हेलो स्टूडेंट्स, सो आखिरी क्लास में मैंने आप सभी को रिलेशन के बारे में समझाया था और उधर मैंने कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है बोल के बताया था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको तीन एग्जांपल बताऊँगा रिलेशन के ऊपर में, जो कि मैंने एक CBSE, दूसरा CHSE और एक तो ISC बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तीन क्वेश्चन मैंने लिखा है, मतलब मैं पहला क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर जेड एक ठो सेट है जो कि इंटीजर का सेट होता है और उस पर एक ठो रिलेशन बना हुआ है आर, जो कि लिखा है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, मतलब रिलेशन में ऐसा ऑर्डर प्यार आएंगे ए बी, जैसे कि ए से बी को अगर माइनस करो तो 5 से डिवाइड होता हो। और इधर क्वेश्चन लिखा गया है कि प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और मेरे ख्याल से कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन भी कुछ यही था। आखिरी क्लास में जो मैं आपको वीडियो दिया था कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन, उसमें क्या था कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय सी था, और यहाँ पर फिर फर्क क्या है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप थोड़ा वीडियो को पॉज करें और पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद ही जो आंसर मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसको देखें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अगर मान लीजिए रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी होते हैं, जो कि ए और बी जिसमें इंटीजर है और ए प्लस बी जो है वो इवन नंबर है, तो भी आर एक ठो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये जो क्वेश्चन मैंने ले रखा है ये ISC बुक से ले रखा है। और तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है उधर लिखा है कि अगर रिलेशन आर पे ऑर्डर पेयर ए बी है और a लेस देन इक्वल टू b होता है, तो आपको ये चेक करना होगा कि ये इक्विवेलेंस है या भी नहीं। तो मैं एक एक करके आपको पास बताता हूँ। जैसे सबसे पहले एक नंबर वहाँ पर क्या लिखा था कि अगर सेट जो है इंटीजर सेट हुआ और उसमें ऑर्डर पेयर ए बी होते हैं तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 जो है वो इक्विवेलेंस होगा। तो आपको याद होगा शायद मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन समझाया था, और इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। तो क्योंकि हमें यहाँ पर इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो हमें तीनों कंडीशन एक एक करके वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले देखिए मैं रिफ्लेक्सिव प्रूव करता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर मान लीजिए हम लोग कोई दो एलिमेंट a ले लेते हैं जो कि r पे है, a बिलोंग्स टू r पे है, तो r पे कब हो सकता है, अगर a माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5 होगा। और इट इज़ ऑब्वियस कि a माइनस ए इक्वल टू 0 होता है और 0 को कोई भी डिवाइड कर सकता है, मतलब 5 कैन ऑल्सो डिवाइड 0। उसी तरह अगर दो इंटीजर आप b लेंगे, b बिलोंग्स टू r, तब भी ये पॉसिबल हो जाएगा कि b माइनस बी इक्वल टू 0 एंड 5 कैन डिवाइड 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई z सेट का कोई भी इंटीजर ले ले तब भी a बिलोंग्स टू r होगा, b बिलोंग्स टू r होगा, 1 बिलोंग्स टू r होगा, 2 बिलोंग्स टू r होगा, ऐसा हर इंटीजर के साथ होगा। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद आता है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ऑर्डर पेयर ए बी जो है वो रिलेशन पे है, देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो अभी देखिए यहां पर लिखा गया था a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, और हमने क्या लिखा इधर, हमने लिखा कि ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर होगा का क्या मतलब है कि a माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाय 5 होगा। डिविजिबल बाय 5 का मतलब 5 का कोई फैक्टर, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 5m1, जहाँ की m1 एक ठो इंटीजर बताता हूँ आपको। दूसरा बात, a माइनस बी इज इक्वल टू 5m1 हुआ तो b माइनस ए कितना होगा, माइनस 5m1, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू
माइनस फाइव एम वन। अब देखिए माइनस फाइव एम वन को मैं फाइव इंटू माइनस एम वन भी लिख सकता हूँ, तो बी माइनस ए में भी एक टू नंबर फाइव है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं फाइव जो है वो बी माइनस ए को भी डिवाइड कर सकता है। सो लिखा जा सकता है कि बी ए जो है वो भी रिलेशन पे होगा। तो देखिए हमने क्या लिया था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर लिए थे और क्या दिखाए बी ए बिलोंग्स टू आर, सो ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, तो तीसरा मैं लिख देता हूं इधर ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होता है कि अगर ए बी आर पे है बी सी आर पे है तो ए सी भी आर पे होना चाहिए। तो देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है कि ए माइनस बी डिविजिबल बाय फाइव, तो ए माइनस बी अगेन ए मल्टीपल ऑफ फाइव, क्योंकि रिलेशन का कंडीशन ही वही है। दूसरा लिखा है कि बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि बी माइनस सी भी फाइव का एक ठो मल्टीपुल होगा, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ फाइव एम टू। अब यहाँ पर एम वन एंड एम टू क्या है, एम वन एंड एम टू आर कुछ इंटीजर हो सकते हैं, तो अभी देखिए मैं लिख देता हूँ एम वन एम टू बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पर इसको अगर हमने ऐड किए तो माइनस बी एंड प्लस बी क्या होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ए माइनस सी। सो ए माइनस सी के बाद इक्वल्स टू, अब कितना कमन जाएगा यहाँ पर फाइव कमन जाएगा, फाइव एम वन प्लस एम टू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए माइनस सी का जो भी रिजल्ट आया है उसमें भी एक तो नंबर फाइव मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ फाइव ए माइनस सी को भी डिवाइड करेगा, सो ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसी तरह ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो देखिए दोस्तों ये रिलेशन आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ एंड ट्रांजिटिव भी हुआ। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक ठो इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट नंबर में दूसरा वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है।